गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुशील शर्मा वीना वाटिका चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको किसी नई चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि एक खूबसूरत एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो देखते रहिए वीना वाटिका का ये वीडियो। नेचर के अपने ही कुछ रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा अचंभित करते रहते हैं। दोस्तों, आपने जुड़वा बच्चों को सुना होगा, इंसानों के अंदर जुड़वा बच्चे भी होते हैं, और लेकिन मैंने कुदरत के अंदर यहाँ फूलों के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा है। लेकिन मैं अब नेचर का इस चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने अपने वाटिका के अंदर देखा, जो अपने गार्डन के अंदर देखा। ये मेरे पास है जीनिया के पौधे लगा रखे हैं मैंने दोस्तों, उसके अंदर फूल आ रहे हैं। हर टहनी के ऊपर सिंगल फूल है। ये देखिए आप, एक फूल है, ये भी देखिए एक ही फूल है इस जीनिया पे। नॉर्मल तरीके 99% जो होता है वो एक ही फूल आता है, एक टहनी के ऊपर एक फूल आता है। लेकिन इसकी एक टहनी के अंदर, एक बड के अंदर इसके दो फूल आए हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरे एक ही बड के अंदर ये दो फूल खुले हुए हैं। ये देखिए, ये एक फूल, ये दो फूल। और इसके अंदर अचंभित बात यह है कि देखिए, एक ही इसकी ये बड है जिसके अंदर ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये पहला फूल ये है, दूसरा फूल ये है, और इसके नीचे देखिए ये इसकी एक ही बड है, एक ही बड में। तो मैंने इसको जुड़वा फूल का नाम दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका जुड़वा फूल अक्सर ये देखने को नहीं मिलता, बहुत कम रेयर केस होगा जिसके अंदर देखने, मैंने तो नहीं देखा। मेरे घर में दिखा तो मैं आपको उसको शेयर करना चाहा, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको शेयर किया। आपको भी ऐसा ही है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सब कुदरत का करिश्मा है जिसने इस तरीके से मेरे बाग के अंदर ये जुड़वा फूल दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ वीना वाटिका चैनल के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।